हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज वीडियो में जानने वाले हैं कुछ एसी के पार्ट के बारे में। हमने ट्रेन में पूछा था, एसी जो हमारा स्टार्ट होता है थोड़ा टाइम चलता है फिर बंद हो जाता है, कंप्रेसर थोड़ा टाइम चलता है फिर बंद हो जाता है, थोड़ा टाइम बंद रहता है फिर चलता है बंद, यानी कि कंप्रेसर हमारे सिस्टम ऑन ऑफ ऑन ऑफ होते रहता है। अगर आपका एसी जो है सिस्टम से ऑन ऑफ हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, हमें क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए, क्या कैसे आइडेंटी करें क्या प्रॉब्लम है इसमें, अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर जाने सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। हम आपके हेल्प के लिए कुछ आइडियाज़ बताने वाले हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा। बेसिक टेक्नीशियन, फ्रिज, वाशिंग मशीन कोई सा भी वर्क करते हैं तो हम आपके लिए कुछ आइडियाज़ बताएंगे जिससे आपको ऑनलाइन काम मिल जाएगा, एक्स्ट्रा काम मिल जाएगा और एक्स्ट्रा बिजनेस आपका ग्रो हो सकता रहेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए हेल्प होता रहेगा। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ में इस बेल घंटी को भी दबा दें जिससे और इसी तरह से हम वीडियो बनाए आप लोग पास भेज सके, आप लोग भी सीख सके, देख सके, आप लोग भी नए टेक्नीशियन लोग का हेल्प जरूर करें। तो आप देख सकते हैं कभी भी कोई सा भी सिस्टम है हमारा ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है, पावर चालू होता है बंद होता है, चालू होता है बंद होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका पावर वीक हो रहा है। अगर सिस्टम में कंट्रोल का पावर वीक हो रहा है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, चालू हो रहा है बंद हो रहा है, चालू हो रहा है बंद हो रहा है, इसका पहले सबसे पहले हम इसका जो लूज कनेक्शन हो रहा है पावर चेक कर लेना चाहिए। पावर इसमें प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिस्टम में इनपुट जो पावर आ रहा है नहीं, सिस्टम में अगर पावर इनपुट आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो हम मेन पावर चेक करेंगे। अगर अभी सही है तो उसके बाद हमें चेक लेना है कि इसका कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं है, इसका कंट्रोल्स वगैरह जो भी है। मैं बहुत से एसी में कनेक्टर्स वगैरह लगे रहते हैं, थिम्बल्स वगैरह लगे रहते हैं, अगर ये लूज हो जाएगा तभी भी प्रॉब्लम होता है, समय से होता है आन ऑफ ऑन होने का। तो हमें लूज कनेक्शन वगैरह प्रॉपर सभी कनेक्शन थिम्बल्स वगैरह हमें निकाल करके प्रॉपर टाइट करके लगाना चाहिए थिम्बल वगैरह। अगर सब भी आपका सही है उसके बाद फिर भी हमारा आन ऑफ ऑन चालू हो रहा है बंद हो रहा है, चालू हो रहा है बंद हो रहा है, इसके लिए हमें बेसिक चीज़ें हम बता दें आप लोग को। इसमें एसी है कोई सब, इसमें सक्शन और डिस्चार्ज में हमें गेज लगाना है। सक्शन और डिस्चार्ज में गेज लगाएं तो इसके मतलब हमारा गैस चेक करना है। अगर सिस्टम में आपका गैस लो रहेगा, अगर लो रहेगा तभी भी इस तरह से प्रॉब्लम होता है, चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा, यानी एलपी पे ट्रिप होगा, कट ऑफ होता है। उसके बाद आता है एचपी प्रेशर, हाई प्रेशर। अगर सिस्टम आपका हाई प्रेशर पर जा रहा है तभी भी ये ट्रिप होता है, कट ऑफ होता है, यानी कि हाई प्रेशर पर गया चालू हुआ सिस्टम, सिस्टम चालू हुआ हाई प्रेशर पर गया ट्रिप हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, फिर थोड़ा गैस इक्वल होता है, फिर बाद में चालू होता है, फिर कट ऑफ होता है, यानी कि गैस आपका हाई रहेगा ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है, लो भी रहेगा तभी इस तरह से प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस जो हाई प्रेशर में ही होता है। तो हम जब गैस लगाएंगे इसमें हमें प्रॉपर चेक करना है गैस हमें इसमें लो है या हाई है, प्रॉपर हमें इसमें सिस्टम को चेक करेंगे। हमें जो सिस्टम स्टार्ट होते ही आपका गैस जो है या फिर आगे पीछे गैज में हमारा मीटर में जो है आगे पीछे हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। अगर आपका सिस्टम में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज रहेगा, यानी कि कैपिलरी ट्यूब हो गया, एक्सपेंशन वाल हो गया, फिल्टर हो गया, कहीं सिस्टम अगर ब्लॉक रहेगा तो गैज में जो है आपका रीडिंग आपको आगे पीछे शो करेगा, आगे पीछे शो करेगा, मेन रीजन रहता है। तो इस तरह से फॉल्ट पकड़ सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम ब्लॉकेज है। अगर ये भी सही है तो उसका मतलब हमारा जो हाई प्रेशर पर अगर कट ऑफ हो रहा है ट्रिप हो रहा है तो इसमें फैन रोटेशन चेक करना चाहिए। कंडेंसर फैन रहता है, कंडेंसर का फैन मोटर जो रहता है अगर रोटेशन उल्टा चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है तभी इस तरह से प्रॉब्लम होता है। अगर आपका कंडेंसर फैन नहीं चल रहा है तो कंडीशन में आप डायरेक्ट जब चेक करेंगे तो आपको फिजिकली प्रैक्टिकली आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर रिवर्स चल रहा है उल्टा चल रहा है तो उसमें कन्फ्यूजन रहता है। उसके लिए आप सामने एसी का जो है सामने आएंगे, खड़ा होंगे तो हवा जो है थोड़ा सामने आना चाहिए। अगर हवा थोड़ा जो है सामने नहीं आ रहा है इसका मतलब रिवर्स चल रहा है उल्टा चल रहा है, या टॉप मॉडल का है टॉप ऊपर ऊपर में हाथ रखेंगे एसी के तो ऊपर में हवा जाना चाहिए। अगर हवा ऊपर में नहीं जा रहा है इसका मतलब एसी का इसका कंप्रेसर मोटर का प्रॉब्लम हो सकता रहा है, मोटर में आपका कैपेसिटर फॉल्ट हो सकता रहेगा या वाइंडिंग फॉल्ट हो सकता रहेगा, स्ट्रेक कुछ भी हो सकता रहेगा, या फिर इसमें आपका एम्पियर चेक करेंगे, अगर एम्पियर भी देख रहेंगे, अगर मोटर में अगर एम्पियर हाई एम्पियर जा रहा है तभी इस तरह से प्रॉब्लम आता है। हमें रीडिंग चेक करना है कंप्रेसर का, एम्पियर चेक करना है, अगर एम्पियर हाई पर एम्पियर जा रहा है तभी इस तरह प्रॉब्लम होता है। इसमें सेफ्टी डिवाइस बहुत से लगे रहते हैं, बहुत से एसी में जो है आपको ओवरलोड लगे रहते हैं, ये सीटी क्वाइल लगे रहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, या ओवरलोड रिले लगे रहते हैं, बहुत से सिस्टम में लगे रहते हैं। अगर आपका एम्पियर ज़्यादा लेगा तो इस तरह से एम्पियर से हमारा
स्टार्टअप कर देता है, ट्रिप कर देता है, ओवरलोड रिले से बंद कर देता है सिस्टम को। अगर अभी सही है तो उसके बाद इसमें बहुत से सी में टाइमर आता है। अगर आपका सिस्टम में कोई चाइल्ड ने या किसी का कोई कैरेक्टर से टाइमर ऑन हो गया है तभी सिस्टम आपका ऑन होगा, ऑफ होगा, थोड़ा टाइम चलेगा, यानी जो भी टाइमर के हिसाब से रहता है ये ऑन ऑफ होता रहेगा। तो हमें सब बेसिकली चीज़ें हैं चेक कर लेना चाहिए आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। अगर इस तरह सिस्टम ऑन ऑफ होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें। हम आपके हेल्प के लिए कुछ आइडियाज बताने वाले थे, हमने बताया था हमें बहुत से कस्टमर क्लाइंट जो हमें डायरेक्ट हमें कॉल करते हैं या हमें बुलाते हैं, एसी फ्रिज वाशिंग मशीन कोई सा भी इनका इक्विपमेंट रहता है पार्ट्स खराब हो जाता है तो हमें बुलाते हैं चेक करने के लिए। हम दूर रहते हैं, सभी के पास नहीं जा सकते हैं, तो हमने आइडिया लगाया है आपके एरिया से कोई भी कस्टमर क्लाइंट हमें अगर कॉल करेगा तो आपका जो है उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे। आपको क्या करना है हमें कमेंट में जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस दे दीजिए। एग्जाम्पल आप यूपी दिल्ली पंजाब गुजरात महाराष्ट्र कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आपका लोकल एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर हमें कमेंट में डाल दीजिए, जिससे आपके एरिया से कोई भी कस्टमर क्लाइंट हमें कॉन्टैक्ट करेगा कोई कॉल देगा तो हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे देंगे या उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे, जिससे आपको एक्स्ट्रा ऑनलाइन काम मिल जाएगा, आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा, एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते रहेंगे। अगर आपको आइडिया अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दीजिए, जिससे कभी इस तरह से हम वीडियो बनाए आपके पास भेज सके। आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें, ये वीडियो उन लोग पास शेयर करें जो लोग एसी का फील्ड में काम नए लोग आते हैं या जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं ये फील्ड में आना चाहते हैं उनके पास से वीडियो शेयर करें, उनका हेल्प आप भी जरूर करें। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।